हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकता समाचार सागवाड़ा में। सागवाड़ा एवं आसपास की तमाम खबरें अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एकता समाचार सागवाड़ा को। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। हमारी लेटेस्ट खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। धन्यवाद। आचार्य सुनील सागर महाराज ससंत के सान्निध्य में पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा में भगवान विमलनाथ दिगंबर जैन मंदिर के सम्मुख नवनिर्मित उत्तुंग चतुर्मुख पंच मानस्तंभ रत्नमयी 24 जिनदिनम पंच कल्याणक महोत्सव में बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद कंकमल कटारा ने श्रीफल देकर आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर 150 किलोमीटर की यात्रा करने से पूर्व श्री सुनील सागर जी महाराज ने यात्रा की सफलता के लिए सांसद कंकमल कटारा को श्रीफल देकर आशीर्वाद दिया था। अतः यात्रा के सफल होने के फलस्वरूप श्रीफल भेंट किया गया। मेरा सौभाग्य है, मेरे परम पूज्य सुनील सागर जी महाराज, जब मैं 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर 150वीं जयंती के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमको कहा था कि सभी सांसद अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में 150 किलोमीटर की पदयात्रा करके और क्षेत्र के वासियों की ओर से जो जो विचार आए हैं, जो जो अपने मन में अनुभव आए हैं, उनकी जो क्षेत्र की किस प्रकार की मांगे हैं, उनकी क्या समस्या है, वो भी अवगत होकर के आना है और रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। और ऐसे अवसर पर मैं जब सागवाड़ा से अपने निवास से सागवाड़ा नगर की पदयात्रा कर रहा था और सागवाड़ा होते हुए सोमपुरा समाज के पास में मंदिर और मंदिर होते शुक्लवाड़ा होते हुए मैं मेन बाजार कीर्ति भाई सेठ की दुकान की ओर जा रहा था। बीच में ही आदरणीय सुनील सागर जी महाराज वहां पर उनका भी मंदिर से होते हुए निकल रहे थे और हम दोनों की भेंट हो गई। बड़े प्रसन्न हुए और आपने कहा कि कनक जी आइए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, अच्छा काम कर रहे हो। पदयात्रा के दौरान आप यह नारियल आपको समर्पित करता हूँ और पदयात्रा पूरी करने के बाद में मैं जहाँ जहाँ 4, 5, 6, 7 विधानसभा क्षेत्र के अंदर गया, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, नाटोल, घड़ी, डूंगरपुर, सागवाड़ा, ऐसे सभी क्षेत्र में जाकर के आया और फिर से आपके कथनानुसार, आपके निर्देश के अनुसार वो पदयात्रा सफलतम करके फिर से मैं यह नारियल आपको भेंट कर रहा हूँ और आपने आशीर्वाद दिया और इसी का फलस्वरूप आज मैं जनता की सेवा के लिए बीच में हाजिर हूँ और आपके इस आशीर्वाद से कहीं एक एक दिन में 20-20 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर हम चले और लोग हमारे साथ में हुए। वैसे तो गाड़ी में गिनू तो लंबी यात्रा हो जाती है, गाड़ी की यात्रा मैंने गाड़ी में बैठा हुआ यात्रा नहीं गिनी है। उसका एक बहुत बड़ा परफॉर्मा बना करके हमने प्रधानमंत्री जी को भेंट किया, बड़े खुश हुए और आने वाले समय में और अच्छा जनता की सेवा करते रहे ऐसा आशीर्वाद इन्होंने भी दिया। मैं महाराज श्री के संत वृंद का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वैसे तो आप त्याग और तपस्या की एक मूर्ति हैं, मैं आपके आगे कुछ नहीं कह सकता, समय की पाबंदी है, लेकिन आपके आशीर्वाद से यह रथ यात्रा मेरी चलती रहेगी जब तक हम इस क्षेत्र के अंदर, मेरा जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी वैसे हट नहीं सकती, चाहे मैं पद पर रहूं चाहे नहीं रहूं, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में मुझे हर वर्ग के अंदर सेवा करने का अवसर मिलेगा, ऐसा मैं इस अवसर को निवेदन करना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, बहुत बहुत। परम पूज्य प्रातस्मरणीय प्राकृताचार्य चारित्र चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत
आचार्य चौट श्री सुनील सागर जी गुरुकुल से विनयांजलि पूर्वक निवेदन करते हैं कि आपकी अमृत वाणी से आप हमें लाभान्वित करें। आज ज्ञान कल्याणक के अवसर पर हम आपकी ज्ञान गंगा में अवगाहन करना चाहते हैं। बोलिए सुनील सागर जी गुरुदेव की, बोलिए आचार्य संघ की। तुभ्यं नमाक्षितिकलानलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्मबोधधिसोऽसुराय। अधितीर्थेश्वर आदि विधाता अधिराज देव महादेव आदिनाथ भगवान वर्तमान जी शासन वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट विद्यावाद श्री हनुमती सागर जी महाराज की, नित्य निरंजन देव परमहंस परमात्मा करुण चरण के शेव तुम गुणमाना गायके। भगवान आदिनाथ स्वामी का आज दीक्षा कल्याण महोत्सव मना रहे थे। सांसद महोदय कनक मंदिर कटारा आदि कह रहे थे कि काफी लंबी परियात्रा करके हम आए हैं और हम आपको बताएं कि दिगंबर मुनि तो जब से इस मार्ग को स्वीकार करते हैं तो पद यात्रा ही करते रहे। बहुत बढ़िया बात। हमसे ये पूछो तो कम से कम 20,000 किलोमीटर की पद यात्रा हमारी संपन्न हुई। आदिनाथ स्वामी ने जब दिगंबर वीतराग का मार्ग स्वीकार किया और दुनिया को बताया तो अद्भुत है। आज हम कविता के माध्यम से पहले उनके दीक्षा महोत्सव को समझें और फिर उनकी आहार चर्या। चिन्मय ज्योति दिगंबर चेतन चित चैतन्य सुधाकर, जय जय चिन्मूरत चिंतामणि चिंतित प्रवृत नाकर। जब तुमको वैराग प्रकट हो सुरपति आसन कंपे, लौकांतिक सुरगण भी आते पुष्पांजलि को अर्पे। भगवान चिन्मय चैतन्य ज्योति का चिंतन करते हैं, वैराग भावना भाते हैं और जब उन्हें वैराग होता है तो देवताओं के भी आसन कांप पड़ते हैं। सांसद जी का भी आसन डोल गया और वो आज यहाँ पर दीक्षा कल्याणक पर भगवान के दर्शन को। अजब गजब बात है, कहाँ देव रहते हैं और कहाँ प्रभु रहते हैं, फिर भी उनके पुण्य के प्रताप से देवता भी उनकी पूजा और सेवा में आ जाए। लौकांतिक भी आ गए जो लोक की या पंचम स्वर के अंतिम भावों में रहते हैं और बड़े भाग्यवान जीव हैं, एक भाव के बाद मोक्ष जाने वाले हैं और देवताओं में ऋषि के समान। तीर्थंकर भगवान स्वयं ही दीक्षा लेते वन में, सिद्धों की साक्षी से दीक्षा गुरु नहीं उनकी। 2400 भगवंत और पहले जो तीर्थंकर हुए किसी को गुरु नहीं बनाए, क्योंकि पिछले भाव में उन्होंने खुद गुरु पद प्राप्त किया, पहले गुरु बनाए फिर तपस्या की, तीर्थंकर प्रकृति अर्जित की, स्वर्ग में देव हुए समाधि करके, फिर बाद में वहां से मनुष्य बने, राजा बने और राजा बन करके बाद में संयम का मार्ग जब स्वीकार किया मुनि बने तो उन्हें उसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको जन्म से ही तीन ज्ञान थे। कौन कौन से तीन ज्ञान? मति श्रुत अवधि। हमारे लिए तो बहुत थोड़ा ज्ञान है, दो ज्ञान है और उसका भी थोड़ा सा हिस्सा है। और बिना गुरु के स्वयं बुद्ध स्वयं भू भगवान, उनने जैसे ही दीक्षा ली तो उन्हें मनोपरय ज्ञान चौथा ज्ञान हो गया। मति और श्रुत ज्ञान होता है इंद्रियों से, हम किताब पढ़ के जानते हैं, हम आंखों से देख के जानते हैं, कान से सुन के जानते हैं,
लेकिन अवधि ज्ञान ऐसा होता है जो तीसरे नंबर का है कि आंख बंद करेंगे और जान जाएंगे कि कहां क्या हो रहा है, कल क्या होगा और कौन क्या बनेगा और किसका भविष्य क्या होगा, भूत क्या था। और मन परे ज्ञान उससे एक कदम आगे, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो भी, यानी मन परे ज्ञानी मणिराज पकड़ लेते हैं। और आपको तो क्या बताना, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें तो आपके मन की मैं भी पकड़ लेता। लेकिन मौन रहने से एक फायदा होता है कि मैं वो बातें बोलता नहीं हूं, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। क्यों, लोगों के मन में कितने विचार आते हैं, तो मेरा सम्मान नहीं हो पाया, तो मैंने तो कभी नाम ही लिया, तो बोली तो मेरी थी और याद ही चला गया, और बोली तो लग रही थी पद प्रक्षलन से, और मेरे से केवल दीप प्रज्वलन कराया, और पता नहीं कैसे लोग हैं, और महाराज भी कुछ नहीं बोलते हैं, सांसद महोदय आए तो उनको इतना लंबा तिलक निकाल दिया, हम 5 दिन से रोज आ रहे हैं, हमको कोई पूछ नहीं रहा, क्या क्या नहीं चलता अपने मन में। और मन का जानने वाले ज्ञानी जान लेते हैं, लेकिन वो ऐसे धीर वीर गंभीर मुनिराज होते हैं कि बोलते कुछ नहीं। जो जितना ज्यादा ज्ञानी होता है, ध्यानी होता है, उतना ज्यादा शांत मौन और गंभीर होता है। मौन धरे प्रभु मुनि जीवन में दीक्षा भी नहीं देते, नहीं शिष्य परिकर रखते, प्रभु चतुर्मास नहीं करते, नहीं अतिचार दोष हो प्रभु से, कायस्थित नहीं उनके, वस्त्र रहित नरग्रंथ दिगंबर, अर्हत मुद्रा उनके। मौन ले लेते हैं, मौन ही रखते हैं अधिक काम। जब महावीर स्वामी ने दीक्षा ली तो 12 साल तक टोटल मौन रखा उन्होंने, जब तक तपस्या चली केवल ज्ञान नहीं हुआ। उनका जैसे संकल्प होता है कि जब तक परिपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं नहीं बोलूंगा। हम आधे अधूरे लोग अखबारों में छाप दिया फटाफट कि महाराष्ट्र में अमुक की सरकार बन गई, 2 दिन बाद सुबह उठ के देखा तो मालूम पड़ा तमुक की बन गई। अब अखबार वालों की हम लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्षण में कैसे क्या हो जाए है? और मालूम पड़ा 3 बिगाड़ महा बिगाड़ कुछ, कल कुछ और गड़बड़ हो गया तो कोई और ही सरकार बन गई। अपने को ज्यादा मालूम नहीं पड़ता। तीर्थंकर को 4 ज्ञान होने के बाद भी उनका एक संकल्प हो गया कि जब तक मैं परिपूर्ण ज्ञानी ना होऊंगा तब तक एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। अपन कितना बोलते हैं, कितना सा ज्ञान और बक बक। मौन धरे प्रभु मुनि जीवन में दीक्षा भी नहीं देते कि आओ इनको दीक्षा दे देंगे, उनको दीक्षा देंगे। फिर आप कहते हो महावीर स्वामी के भी तो 14,000 शिष्य थे, आदिनाथ स्वामी के भी तो हजारों शिष्य थे, उनको दीक्षा किसने दी? वो खुद आकर के चरणों में संयम स्वीकार करते हैं, सर्वसंग त्याग करते हैं, और गणधर स्वामी उनको आज्ञा देते हैं, और इंद्र महाराज उनको पिच्छी का मंडल दे देते हैं। ऐसे दीक्षा स्वयं की इच्छा से होती है, सच्ची दीक्षा। प्रभु इच्छा भी नहीं देते, शिष्य भी नहीं बनाते, चतुर्मास भी नहीं करते। फिर क्या हुआ, अपनी झोपड़ी पूरी जो कुछ था, एक दो कटोरी एक दो चम्मच बाहर निकाल के हमको हमारे साथ मुनिराज को विराजमान किया आपके यहाँ। फिर रात में 2 बजे जब हम उठे, पहले तो ध्यान चिंतन मनन और 2-3 घंटे का विश्राम हुआ, और जब 2-2.5 बजे हम बाहर मुख शुद्धि के हाथ धोने के लिए मुंह धोने के लिए आए तो देखा बूढ़ी माँ, रात को उनका पति आ गया हो गया, तो बुजुर्ग दादा, साथ वाले 3 लड़के और 2 कुत्ते सब वहीं ठंड में बाहर आंगन में सोए हुए। हमको अजब गजब लगा, दूसरी झोपड़ी है तो यहाँ क्यों सोए? जब सुबह हुई और जब चलने लगे और तो फिर हमने पूछा कि यहाँ क्यों सोए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने रात को झूठ बोला था,
अगर हम कह देते कि दूसरी झोपड़ी नहीं है तो आप यहाँ नहीं रुकते। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास एक ही झोपड़ी है, लेकिन आपके चरण पड़े हमारे लिए इससे बड़ा पुण्य और सौभाग्य कुछ है। उन लोगों की भावनाओं बहुत गजब की होती है। आदिनाथ भी ऐसे ही साधक थे, वो भले सम्राट थे लेकिन जब आहार के लिए निकले तो बस्ती बस्ती में गए, कहीं योग नहीं बना। फिर योग संयोग बना, हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश सौम राजा थे, उनके भाई थे श्रेयांश, और वो श्रेयांश महाराज पिछले जन्म में, पिछले 10 जन्म पहले ये आदिनाथ भगवान जब वज्र दंड थे तब वो श्रीमती स्त्री की पर्याय में थे, और तब का वो पुनर्जन्म का संबंध 10 भाव पहले का याद आया कि उस समय हमने जंगल में 2 मुनियों को आहार दिया था, ये पधारे हैं तो इनका भी कुछ ऐसा ही योग लगता है। और फिर उन्होंने कच्चे घड़े से उनका पड़गाहन किया, ईख के गन्ने के पौधे लेकर के पड़गाहन किया, और फिर इच्छु रस का आहार आदिनाथ भगवान का था। आदिनाथ का पंच कल्याण थे इच्छु कि किसी योगी की मुद्रा है, फिर और कोई मुद्रा निकली तो ऋषभ की मुद्रा है, फिर और तो ये सिद्ध हो गया कि उस युग में सिंधु घाटी की सभ्यता में भी किसी दिगंबर पुरुष की पूजा होती थी, और अंततः वो आदिनाथ सिद्ध हुए, कुछ लोगों ने महादेव सिद्ध किया। बहुत प्राचीन परंपरा है, इसलिए हम कह रहे कि 6 माह का उपास, उनकी आयु इतनी बड़ी थी कि उनको 6 माह का उपास कोई खास बात नहीं थी। 6 माह का निरंतर उपास, जिनने आचार्य सनमति सागर जी गुरुदेव के दर्शन किए हैं उनको पता होगा कि एक एक माह की तो उपास हमने भी किए हैं। यहां भी 30 साल पहले चतुर्मास हुआ था और तब भी उनने यहां कठोर तपस्या की, 6 माह का उपास लेके बैठे, 6 माह 7 माह 13 दिन तक वो विधि लेकर के भ्रमण करते रहे। अभी कुछ उस दिन साध्वी जी आई थी स्वीतंबर संप्रदाय, तो जब मुनियों की चर्या देखी, साधना देखी, तो उनके मुंह से अकस्मात ही निकल पड़ा कि ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी की चर्या होती होगी, साधना होती है। जब अभिग्रह लेके निकले, विधि लेके कि अमुक जगह विधि मिले, ऐसा योग बने कि किसी के हाथ में श्रीफल हो, ऐसा योग बने कि किसी के हाथ में कलश हो, ऐसा कोई संयोग बने कि किसी के हाथ में फल हो, आम्र फल हो, अगर किसी ने सुंदर चौक बना रखा है, गांव के आखिरी छोर पर खड़ा है, चौराहे पर खड़ा है, अभिग्रह माने मेरी विधि, मेरा संकल्प, मैंने ऐसा कोई संकल्प लिया है कि मिले तो ही मैं भोजन करूं, नहीं तो नहीं करूं। कितनी स्वाधीनता और कितनी कठोरता, ऐसा होता है कि भोजन नहीं मिलता। आचार्य सनमति सागर जी महाराज ने दुर्ग चतुर्मास में 10 उपास करने के बाद संकल्प लिया कि मिट्टी के कलश किसी के पास होगा उसके घर आहार होगा। 10-12 उपास के बाद सब लोगों ने सोने का कलश लिया, चांदी का कलश लिया, बहुत दिन बाद आचार्य महाराज आहार को आएंगे तो अच्छी अच्छी विधि एक से एक चौक बनाए, और सब अपने अपने घर के बाहर खड़े हो गए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हमारे घर में आहार पानी सब शुद्ध है, हमारे यहाँ पधारो। नहीं, आ ही नहीं हुआ, विधि नहीं मिली, 12 दिन हो गए, पानी भी नहीं पेट में गया। फिर 13 दिन में गए, शाम को तो नहीं जाना है, वो सुबह 1 ही घंटा होता है, 1.5 घंटा, उसमें विधि योग संयोग चर्या जो हो जाए सो हो जाए, बाकी ध्यान करो, प्रभु का भजन ही भोजन है हमारा। महाराज जी का अंतराय हो गया और कहने लगे भोजन नहीं हुआ, तो गुरु जी बोले अब भजन करो, अब तो गया 24 घंटा,
है, एक बार अगर आप नहीं जीते चुनाव तो 5 साल गया, एक बार ये बना नहीं बना तो 24 घंटा गया। जानते हो पानी की प्यास किसे बोलते हैं? करके देखो कभी, फिर भी धैर्य साहस और निर्मलता। तो आचार्य महाराज को फिर जब 13 दिन निकले तो लोगों ने कहा कि महाराज जी जिधर जाते हैं उधर जाने दो, सब लोग मत बताओ कि इधर जाओ इधर जाओ, महाराज जी की जो इच्छा है जितनी दूर जाते जहां जाते उनको जाने दो। अभी तक ये चल रहा था कि अध्यक्ष का मकान इधर है, विधायक का मकान इधर है, सेठ जी इधर है, तो इधर इधर महाराज जी इधर इधर। उस दिन फिर सबने कहा कि कुछ छेड़छाड़ न करो, आज विधि मिलना चाहिए, जो हो जैसे हो मिलना चाहिए। और आचार्य महाराज फिर सब तरफ घूमे और फिर ऐसे ही तब किसी ने कहा कि महाराज जी इस तरफ गांव के आखिरी छोर पर भी चौका, उधर भी चले, उधर गए तो एक झोपड़ी थी और एक बूढ़ी माँ अपने बहू के साथ मिट्टी का कलश लेकर के खड़ी थी। क्या बात, दीदी मिल गई। और बस केले की रोटी, कच्चे केले की टिकिया और पानी, उस समय दूध लेते थे, खो गया आहार। लोग कल्पना नहीं करते, सब सोच रहे होंगे कि अध्यक्ष के यहां जाएंगे इतनी बड़ी तपस्या के बाद। तो हमारी विधि विधि होती है, उसमें अगर हम कुछ ऊंचा नीचा करते हैं तो दंड मिलता है, एक तरह का भोगना पड़ता है। हम कभी लोगों की बात मान जाते हैं ना, हमने कहा ऐसा ऐसा कर लो, नहीं महाराज, लोग रोने लगते हैं। कल हमारा ऐसा योग था कि हमें वापस आ जाना चाहिए, लेकिन सब रोने लगे कि चींटी मर गई, मक्खी मर गई, तो हमारी क्या गलती है, और आप फिर कब आओगे और कैसे क्या होगा और कितनी दूर तो आप आए हैं, और सब दरवाजा घेर करके बंद कर दिया। तो सब रोना देख करके ना भी अभी अपना चित्त पिघल जाता है, अभी ऐसे पक्के नहीं है कि तुम रोते रहो और हम चल रहे। तो फिर हम रुक तो गए, फिर कुछ त्याग करके दूसरी वस्तु लेकर के आहार भी किया, लेकिन हमारे साथ जो साधु थे, माता जी थे, उनका पूरा अंतराय हो गया। माने उनको सिर्फ पानी लेना हुआ और बाद में उनको इतना बड़ा बाल आ गया। तुरंत हमको लगा कि देखो अपनी विधि में इतनी कमी छोड़ने का परिणाम, तो देखो ज्ञानी जिन शासन में बड़ा गंभीर है, बड़ा उदार है, बड़ा महान है, चर्या क्रिया विधि लोग दुनिया के लिए आदर्श है। एक मुनि जब सड़क पर यूं निकलता है तो लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या करने को जा रहे हैं, हैं? महाराष्ट्र की बात है, जब यूं निकले तो एक छोटे बच्चे ने माँ के पूछा, माँ कौन है, कौन आए है? माँ बोली है कवाल, धरती से भगवान आए, चालता फरता भगवान आए, ये चलते फिरते भगवान है। छोटा बच्चा सुनकर मराठा लोग मराठी भाषा, बड़ा जो नहीं समझते वो नहीं समझते हैं, और जो समझते हैं उनके लिए तो ये मुनि ना चलते फिरते भगवान। लोगों की आस्था बड़ी गंभीर है, गहरी, कई बार तो हम ही घेर लेते हैं कि हमारे महाराज, लेकिन हम जब पाटीदारों के गांव में जाते हैं, आदिवासी बस्तियों में जाते हैं और उनका प्रेम देखो आप, सामान्य लोगों का और पिछड़े वर्ग का भी आप प्रेम देखो, दिल केवल अमीर लोगों के यही हाथ नहीं होता है, गरीबों के भी दिल होता है। हमें तो भगवान की चर्चा करना है लेकिन विषय निकल रहा है, तो एक उदाहरण हम आपको देंगे।
कर्नाटक में बाहुबली के दर्शन के लिए हम लोग पांव पांव चलते ही जा रहे थे कि एक जगह सूर्यास्त होने को आया। बेलगांव के दो तीन लड़के साथ में थे तो उनने कहा कि महाराज जी कुछ भी बस्ती आगे पीछे नहीं है। हमने कहा जंगल का है ना, जंगल में ही तो आदिनाथ महावीर साधना करते थे और कभी दिन जिंदगी में दो चार दिन साल में महीने 15 दिन मौका आ गया तो तकलीफ की क्या बात। नहीं नहीं हम जानते नहीं कि कर्नाटक में कौन कैसा एरिया है और कैसे लोग हैं, तुम फिक्र मत करो। फिर उनमें से एक लड़का दौड़ के गया, एक झोपड़ी दिखी 100 मीटर अंदर खेत में, वहां एक बूढ़ी माँ बेलगांव का वक्त था इसलिए कन्नड़ आती थी, उसने कन्नड़ में बात की। माँ बोली कि बाहुबली, वहां मुनि महाराज के लिए बाहुबली बोलते, वो बाहुबली भगवान प्रसिद्ध है तो उनको देखे। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुनि महाराज के लिए नेमनाथ बोलते, जूनागढ़ तरफ बोलो या फिर मथुरा तरफ बोलो, क्योंकि वो नेमिनाथ वहां फेमस हुई कृष्ण जी के चचेरे भाई। तो जो अभी और अब देखना, अब बोलते हैं गांव में से मुनि निकलते हैं तो तरुण सागर बोलते, क्योंकि अब उन्होंने एक आम जनता के बीच में स्थान बनाया तो लोग कोई भी मुनि को देखते हैं तो ऐसे ही लगता है समझदार। हमारे सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा के कनकमल जी कटारा साहब जिन्होंने आज महाराज जी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हमारी एकता टीम इनके पास आई है। साहब बताइए, दिल्ली से आप लोकसभा सत्र से आए हैं तो वहाँ पे हमारा आदर किया, क्या क्या घोषणा की उसके लिए थोड़ा बताइए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत ही उन्नति कर रहा है और ऐसे अवसर पर यहाँ जनजाति बहाल वो और आगे कैसे बढ़ सकता है, इन अभाव में ग्रस्त है, इन सब की जानकारी लेने के बाद में इन्होंने यहाँ पर पर्यावरण की दृष्टि से और माता बहनों की बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा, जिसलिए उन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा को LPG गैस कनेक्शन और CNG गैस का ये जो है वो घोषणा करके हमारे पेट्रोलियम और गैस मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस डूंगरपुर बांसवाड़ा इस योजना के अंतर्गत छोड़ दिया है और मुझे पत्र भी दे दिया कि श्री कनकमल जी कटारा आपके निर्वाचन क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर आपका यह LPG गैस कनेक्शन और CNG गैस कनेक्शन पाइपलाइन से प्रत्येक घर में पहुंचेगा। इस प्रकार की योजना मैं सोचता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि इस वागड़ क्षेत्र के अंदर भी जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते ऐसी योजना भारतीय जनता पार्टी के राज में और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के इस नेतृत्व में इस प्रकार की घोषणा जो की गई है, इसके लिए इस क्षेत्रवासियों की ओर से मैं इनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस अवसर पर हमें यह बताया कि हम आपको कितने क्षेत्र में आभार व्यक्त करें। यहाँ पर महाराज ने जो मांग और जिस प्रकार की बात थी उस बात को कल्पना कर रहे थे तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपने साकार करके दिखा दिया, इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी को और हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र बहुत बहुत आभार। क्षेत्र के अंदर गैस जो है वो पाइपलाइन से मिले ये बड़ी हमारी सौभाग्य की बात होगी, इसकी क्रियान्विति शुरू होगी। अधिकारियों से मैंने संपर्क भी कर लिया है, हमारे रंजन बहन गुजरात की मेरे साथ में लोकसभा में जो सांसद है उन्होंने भी कहा कि भाई साहब मैं भी मदद करूंगी। थोड़ा बताइए आपको क्या क्या आशीर्वाद मिला साहब। आज पंचकन महोत्सव पुनर्वास कॉलोनी में परम पूज्य त्याग और तपस्या सुनील सागर महाराज सानिध्य में जब महात्मा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर देश की 150वीं जयंती पर 150 किलोमीटर हम इस क्षेत्र के अंदर घूमे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि निर्वाचन क्षेत्र में जाए और लोगों की समस्या को भी सुने और रूबरू भी हो
गांधी जी के इस सत्य और अहिंसा का जो संदेश है वह भी पूरे क्षेत्र में लोगों तक पहुंचाएं। और इस दृष्टि से पद यात्रा मैंने 150 किलोमीटर पूरी करके, मुझे उन्होंने परम पूज्य सुनील सागर जी ने एक श्रीफल भेंट किया था कि आप ये पूरी यात्रा करने के बाद में श्रीफल मुझे वापस यहाँ पर देना, तो आज मेरा सौभाग्य कि मैं यहाँ पर आया और वो पूरी यात्रा करने के बाद में मैं ये जो श्रीफल है इनको वापस इनको समर्पित किया है और उन्हें बड़ा आशीर्वाद दिया कि आप ऐसे ही चलते रहो, लोगों की सेवा करते रहो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।